नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीकिंग चीट पर। मैं हूँ आपके साथ इलाहाबाद स्वामी और आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं विभा अग्रवाल जी। आप सभी जानते हैं विभा जी आनंदा इंडिया से जुड़ी हुई हैं, एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में मास्टर रह चुकी हैं और फिलहाल अपनी अध्यात्म की जो भी नॉलेज है, जो भी उनकी टीचिंग है, उसके जरिए लोगों की काउंसलिंग कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है विभा जी। नमस्ते ललित, थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैम, आज का जो हमारा विषय है वो है विचार ऊर्जा। विचार ऊर्जा क्या है ये भी अपने दर्शकों को बता देती हूँ। विचार ऊर्जा यानी कि आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, आपके अंदर से जो भी ऊर्जाएं निकल रही है, क्या वो आपके रिश्तों पर असर डालती है, आपके आसपास के माहौल पर असर डालती है, तो हाँ या ना, इसी पे हम बातचीत करेंगे विभा जी से। विभा जी, क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर किसी व्यक्ति को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हो, लेकिन हम सामने से बहुत मीठा बनने की कोशिश करें लेकिन फिर भी बात ना बने, तो क्या हमारी ऊर्जा का हमारे रिश्तों पर असर पड़ता है? केला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न हमारे पास में जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं आनंद संघ में, बहुत बार ये प्रश्न आता है। और ज्यादातर जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, अगल बगल सबके कमरे होते हैं और ये विचार के कारण जो उनके रिश्तों में मुश्किलें आती हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग जब मिलते हैं तो हम कहते ये हैं कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत शिष्टाचार से बोलते हैं और मीठे शब्द कहते हैं। जो हमें कहना चाहिए, जिस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, हम बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं। और कहते हैं वो मेरी भाभी या मेरी बहन या मेरी चाची, जो भी मेरे साथ में थे, सबसे हम लोग खूब हंसे, बैठे 3-4 घंटे, हमने खूब अच्छा लगा, हमें आनंद आया। लेकिन जब हम अगले दिन उनसे मिले तो देखा फिर वो थोड़ी नाराज थी, जैसे हमें पहचानती नहीं है, देखकर उधर को निकल गई या फ्रेंड में रहे। या ऑफिस में भी ऐसे होता है कि आज अच्छी तरह से मिले और कल सुबह ऑफिस गए तो देखा कि वो शायद हमको पहचानते भी नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? एक चीज को हमें बहुत इलाजी ध्यान रखने की, इसमें यह है कि हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा लोगों के साथ में एक एक्सचेंज होता है, सिर्फ वो शब्दों के द्वारा होता है। देखिए, हम दो व्यक्तियों के लिए, दो मनुष्यों के बीच में एक जो बातचीत का एक्सचेंज होता है, वो अकेले शब्दों में ही नहीं होता है, वो उनके आई कांटेक्ट में होता है, वो उनकी जो एक शारीरिक ऑरा होता है, ऊर्जा होती है, उसके एक उनका आभा मंडल होता है, उसके द्वारा होता है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है उनके विचारों में। देखिए ला जी, हम देखिए किसी के सामने बैठे हुए हैं, उससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में विचार चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, उसमें क्या कमी है जो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। हम अपने मन में एक तरह का ईर्ष्या का भाव लाने लगते हैं, कंपैरिजन करने जाते हैं, और या किसी के बारे में सोचते हैं कि हाँ अपने को ये सोच रहे, या किसी का प्रमोशन हुआ है ऑफिस में और हमको लग रहा है कि मैं तो उससे ज्यादा कहीं अच्छा काम करती हूँ और फिर भी उसको मिल गया क्योंकि बॉस को लगता है कि वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इसलिए तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं। दूसरा, हम बात करके घर में तो वापस आ गए, हम खाने की मेज पे बैठे एक परिवार में, हमने बैठ के सबने एक जॉइंट फैमिली में अच्छी तरह से खाना खाया, सब अपने अपने कमरों में चले गए। जब कमरों में चले गए तो हमारे मन में विचार चल रहे हैं कि हमें आज इन्होंने कितनी अच्छी तरह से बातचीत नहीं करी थी, या किसी ने मुझसे बहुत रूडली बात करी थी, या किसी ने मुझसे बहुत अनफेयर बात करी थी। तो हमारे मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं, मन में बहुत खुश होके बैठे हैं कि हम तो अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठे हैं, हम सोच रहे हैं ना, मेरे विचार है ना, उनको क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। हम एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको भूल जाते हैं कि ऊर्जा गतिशील होती है। ऊर्जा जो है वो उसमें गति होती है, वो चलती है, हमें दिखती नहीं है ऊर्जा, तो कोई नहीं देख सकता ना, नहीं देख सकता। तो ऊर्जा गतिशील होती है, तो जब हम अपने मन में विचार किसी के बारे में भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो ऊर्जा गतिशील होकर के वो दीवारों से दूर पार होकर के
और समुद्र के पार, कॉन्टिनेंट्स के पार, हम मैं यहाँ पे सोच रही हूँ और मेरी बेटी लंदन में रहती है, तो मेरे विचार उसके पास पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर ये आपका कोई बहुत सगा संबंधी दूर हो और वो परेशानी में हो तो आपको थोड़ी बेचैनी सी होती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, होता है ना ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके विचार, तो इसलिए जब हम अपने मन में विचार कर, जब भी एक तो हम सभी जगह अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तभी हम खुश रह सकेंगे, तो इसलिए सब लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करने के अलावा साथ साथ हमें उनके लिए विचार मधुर रखने चाहिए, सकारात्मक रखने चाहिए। और उसमें एक चीज और भी होती है, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, एक क्षमा भाव की तो लाइए, अरे हो गया निकल जाने दो। जब तक हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, एला जी सोचिए, यही नहीं कि उस आदमी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया था, क्षमा ना करने के कारण हमारे मन में कितनी नेगेटिव ऊर्जा जमा रहती है, हमें बुरा नहीं लगता, हम उसका दुख मनाए चले जा रहे हैं कि उसने हमें ऐसे बोल दिया या किसी ने उसको फेवर कर दिया। अगर कि हम उसको माफ कर देंगे तो हमारी खुद की भी तो कितनी स्वतंत्रता आती है, आती है बिल्कुल आती है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये कि हम अपनी मन की ऊर्जा जो है, मन के जो विचार हैं उनको पॉजिटिव रखें, और उसके साथ साथ कहीं कुछ गलत हो भी जाता है, क्षमाशील रखिए, उसको माफ कर दीजिए। क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे मन में जो किसी के लिए हमने उसको माफ नहीं किया है, वो जब तक कि हम उसको माफ करके खत्म नहीं करेंगे ऊर्जा हमारे मन में रहेगी। और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज कही जाती है, पूछा गया हमारा किसी के साथ में कुछ मान लो इंटरेक्शन हो गया, गलत हो गया, हमने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं माफ कर रहा है तो उसके लिए क्या कर रहा है? अच्छा प्रश्न है ना, क्यों नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? तो उसके लिए हमारा जो क्रिया योगा का पथ है, इसमें समझाया गया है, स्वामी योगानंद ने समझाया है कि मन ही मन उस व्यक्ति को जो माफ नहीं कर रहा है उसको कर दो कि मैं आपको क्षमा करती हूँ अगर कि आप मुझे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। खुद भी क्षमा करो और उसको इस चीज के लिए भी क्षमा कर दो कि वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे ये होगा कि दोनों तरफ की एनर्जी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बहुत नहीं करते हैं ये हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि एनर्जीज वर्क करती है हमारे रिलेशनशिप्स पे भी, और कई बार हम ध्यान ही नहीं देते, ना हम क्षमा की भावना के बारे में सोचते हैं और ना ही हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करने के बारे में सोचते हैं। बहुत जरूरी है, दिन में जब हम बैठे होते हैं ना तो कोई सब अच्छा भी चल रहा होता है तो कभी कभी रुक करके सोचना चाहिए, आंख बंद करके अपना ध्यान या अपने आज्ञा चक्र पे ला करके अगर कि हम सोचें कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव चल रहे हैं बहुत अच्छा, और देखें कि ज्यादा अच्छे नहीं, थोड़े नीचे को जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, फौरन उनको बदल देना चाहिए। और उनका बदलने का तरीका तो अच्छा ये होता है कि एक आपने कोई भी अच्छी बुक का एक अच्छा एक पैराग्राफ ही पकड़ लिया ना, पढ़ लिया, उसी से विचार बदल गया, बदल गया बिल्कुल। हमें कह रही कोई अच्छी किताब पढ़ ली या कोई अच्छा म्यूजिक सुन लिया, कोई अच्छा हमारा मित्र है जिसमें की पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमेशा खुश रहता है, उससे थोड़ी देर फोन पे बात कर ली, अपने मन की ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए हम जो भी चेष्टा कर सकते हैं जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है काफी सारे हमारे दर्शकों को मदद मिलेगी, उनको पता चलेगा कि वाकई विचार ऊर्जा आपके रिश्तों पर काम करती है, और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, आपके आसपास आपके ऑफिस में या आपके सर्कल में जो भी लोग हैं उन पर आपकी ऊर्जा का फर्क पड़ता है। तो अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रखिए। एक और नए वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, नमस्कार।